classification of share capital from accounting point of view. As per the Schedule 3rd of the Company Act 2013, a company is required to show for the each class of share capital. First, authorized capital, second, issued capital, and third, subscribed capital. First, authorized capital. Authorized capital or registered capital or nominal capital. All three names are same. According to the Section 2, Subsection 8, the Company Act 2013, yani authorized capital, jise hum adhikrit poonji karte hain, Company Act 2013 ke antargat kya kaha gaya hai? Authorized capital or nominal capital means such capital as the authorized by the memorandum of a company be maximum amount to be share capital of the company. Yani authorized capital Company Act 2013 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ये अथॉराइज होती है कि उतना मैक्सिमम उसकी कैपिटल हो सकती है. ओके, अब दिस इज द अमाउंट स्टार्टेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड एंड द कंपनी रजिस्टर्ड एंड द कंपनी इज एंटाइटेड टू इशू शेयर that much amount and number. यानि company issue कर सकती है उतने share को किसको, जितना company का share है, authorized होती है, किसके अंतर्गत memorandum of association के अंतर्गत entitled होती है कि इसका वो issue कर सकती है जितने उतने rupees का या उतने number of share को. ये था हमारा किसका authorized capital section 2 subsection 8 company act 2013. अब हम बात करते हैं इशूड कैपिटल सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 ऑफ कंपनी एक्ट 2013. इशूड कैपिटल अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है. इशूड कैपिटल मींस सच कैपिटल एज द कंपनी इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन. यानी कंपनी क्या करती है कि इशूड कैपिटल जो कंपनी टाइम टू टाइम में उसको क्या कर सकती है, इशू कर सकती है. इस टाइप के जो कैपिटल होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इशूड कैपिटल. द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज द ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड इशूड कैपिटल. ये किसका पार्ट होता है, ऑथराइज कैपिटल का. यानी ये जो इशूड कैपिटल होती है वो किसकी पार्ट होती है, वो ऑथराइज कैपिटल की, जो टाइम टू टाइम में कंपनी क्या कर सकती है, उसे इशू कर सकती है. ओके, अब आता है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल सेक्शन 2 सबसेक्शन 86. सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 के अंतर्गत क्या कहा गया है. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 86 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 सब्सक्राइब कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ कैपिटल व्हिच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ कंपनी. यानी उस टाइम पे कंपनी क्या करती है, सब्सक्राइब करती है, यानी इशू कर रही है किसको, द पार्ट ऑफ द कैपिटल है ये, पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ कंपनी, जो अपने मेंबर को देती है. यानी जिसका मेंबर कौन होता है, कंपनी का पब्लिक, इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी उनके मेंबर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स. इट इज दैट पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल which represented the face or nominal value of share subscribed for by person applied by prospective shareholder and allotted by the company. ये किसका पार्ट होता है, यानी subscribed capital किसका पार्ट हो गया, किसका पार्ट हो गया, वो issued capital का. जैसे authorized capital का एक पार्ट है issued capital, issued capital का पार्ट क्या होती है, subscribed capital होती है, जो company issue करती है किसको, जो subscribe करे किसका, शेयर होल्डर को, एंड द अलॉटेड शेयर को अलॉट करती है जो सब्सक्राइब करते हैं. द बैलेंस इन इशू कैपिटल नॉट सब्सक्राइब फॉर द पब्लिक इज कॉल्ड अनसब्सक्राइब कैपिटल. यानी जो भी इशूड कैपिटल में से जो भी सब्सक्राइब नहीं किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कंपनी क्या कहती है, उसे अनसब्सक्राइब कैपिटल. इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी सब्सक्राइब कैपिटल इज शोन अंडर टू फॉलो हेड. यानी ये किसे कहा जा सकता है, इसको दो हेड में कहा जा सकता है. पहला सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप. व्हेन द एंटायर फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर
has been called by the company and is the also received by the company, this share will the classify the so on the subscribed and fully paid up capital. यानी company जब भी पूरे face value के जिसके उसकी nominal value के हिसाब से company जब share issue करती है और उसका total का total जितने का भी issue हो रही है उतने पे ही company को पैसा मिल जा रहा है उतना पैसा, तो this share will classify करते हैं किसमें, so the subscribed and fully paid up में, in the notes to account of the balance sheet, notes to accounts में, balance sheet के जो second part, जो balance statement जो notes to accounts होता है उसमें इसको show करते हैं. Second, इसके बाद subscribed but not fully paid up. Sometimes share are the classified and shown under the subscribed but not fully paid up in the notes to accounts. यानी कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कंपनी सब्सक्राइब कर किया हुआ है कि but not fully paid up होती है. उनके भी दो कंडीशन हो सकते हैं. पहला, the company has called up the entire nominal value of the share but it has not received the full amount. यानी कंपनी ने सब्सक्राइब तो किया लेकिन उसमें से कुछ शेयर होल्डर ने उसका पैसा पेमेंट नहीं किया. सेकेंड क्या हो सकता है, the company has not called up the entire nominal value of share, यानी कंपनी ने कॉल ही नहीं किया उस entire share का. They may also arise the situation when the company has not fully called up and the entire face value and the shareholder differ in the making payment of a call due. यानी कभी कभार कंपनी पूरा कॉल नहीं करती या कभी कभार shareholder इसको पेमेंट ही नहीं करते. कुछ शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया तो उसकी कंडीशन. इसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते कैसे हैं, आइए देखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में इन तीन हेड को कैसे दिखाया जाता है. पहला आता है जैसे नोट्स टू अकाउंट्स में पहली आती है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में पहला पार्ट जो हमारे आता है वो क्या आता है, ऑथराइज कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल की कंडीशन में जब भी कोई कंपनी ऑथराइज कैपिटल करती है तो दो टाइप से कैपिटल होते हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं. पहला इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर, सेकंड होती है प्रेफरेंस शेयर. यानी ये कंपनी ऑथराइज हो रही है कि कंपनी कितना शेयर इशू कर सकती है. सेकंड उसके बाद हम लोगों ने अभी जो बात किया इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल की कंडीशन में भी कंपनी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को इशू कर सकती है. सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल में भी कंपनी क्या कर सकती है, सब्सक्राइब बट नॉट सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप. इसमें भी इक्विटी शेयर ऑफ और प्रेफरेंस शेयर हो सकती है. अब सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप. अब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की कंडीशन में कंपनी ने इक्विटी शेयर तो इशू किया, कॉल्ड अप किया, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ने पैसा पेमेंट नहीं किया जिसे हम लोग कहते हैं कॉल इन एरियर्स, जिसके बारे में आगे हम चल के बात करेंगे. कॉल इन एरर्स यानी कंपनी ने कॉल किया उसने पेमेंट नहीं किया तो उसकी कंडीशन में क्या हो गया, वो कॉल इन एरर्स हो गया. अब उसके बाद आती है प्रेफरेंस शेयर, सेम वही प्रोसेस, और इसमें भी अगर पेमेंट नहीं किया तो क्या हो गया, वो कॉल इन एरर. ये जो यहां तक के जो पार्ट है ये हम कहां दिखाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में, किसमें, बैलेंस शीट में. ओके अब आते हैं हम बात करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल होती क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कॉल्ड अप कैपिटल मीन सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट. कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, कंपनी उस पार्ट का करती है, सब कुछ कीजिए, कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है, कंपनी ने 8 रुपए तक कॉल किया है तो दैट्स कॉल्ड अप कैपिटल. द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल दैट द डायरेक्टर रिक्वायर्ड द शेयर होल्डर टू पे ऑन द शेयर अलॉटेड टू देम इज नोन एज ए कॉल्ड अप कैपिटल. यानी कंपनी ने जितने भी ऑथराइज कैपिटल या जिस सब्सक्राइब किया हुआ है, डायरेक्टर ने जितना कॉल किया हुआ है उसको किस नाम से जाना जाता है, कॉल्ड अप कैपिटल. द बैलेंस ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप डिनोटेड अनकॉल्ड कैपिटल. यानी जिस कैपिटल में से कंपनी ने जो कॉल नहीं किया है तो उसको डिनोट किससे किया जाता है, अनकॉल्ड कैपिटल. अब आती है पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 64, यानी पेड अप कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 64. इसके अंतर्गत क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप मीन सच ए एग्रीगेट ऑफ मनी क्रिएटेड एंड पेड अप एज इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट रिसीव एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर इशूड एंड also they include any amount created
एंड पेड अप इन रिस्पेक्ट द शेयर ऑफ ए कंपनी। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या हो गया, जो कंपनी शेयर कैपिटल पेड अप मींस सच एग्रीगेट मनी, जो उस पूरी मनी है क्रेडिटेड जो क्रेडिट करती है एज ए पेड अप, पेड हुआ रहता है एज द इक्विवेलेंट ऑफ द नॉमिनल रिसीव, जितनी भी उसकी नॉमिनल रिसीव हो रही है एज पेड अप रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर इशूड एंड द आल्सो इंक्लूडेड अमाउंट क्रेडिटेड बाई क्रेडिटेड एज ए पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ the share of the company but does not include any other amount received in respect of such share by the whatever name called, yani other kisi share ko nahi karte hain jo other kisi naam se kiya jata hai. Is type ke jo share hote hain usko hum log kya karte hain, is type ke share wale ko kya kaha jata hai, paid up capital. The amount of called up capital which has been, the amount of called up capital which has been actually paid up by the shareholder is known as paid up capital. यानी जो amount जो paid किया जाता है जो paid up shareholder द्वारा उसको किस नाम से जानते हैं, paid up capital. अब आते हैं इसके बाद बात करते हैं reserve capital section 65. reserve capital section 65 के अंतर्गत क्या कहा गया है, according to section 65 of the Company Act 2013, only an unlimited company having the share capital will the converting into the limited company. जब भी कोई कंपनी होती है अनलिमिटेड कंपनी होती है, जब उसे कन्वर्ट करते हैं किसमें, लिमिटेड कंपनी में, तब की कंडीशन में may have the रिजर्व कैपिटल, तब उसकी कंडीशन में क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी को जब लिमिटेड कंपनी में किया जाता है तो वो कुछ ना कुछ रिजर्व कैपिटल रखती है. द पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल, जो किसका पार्ट होता है अनकॉल्ड, जो कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया है, विच इज द नेवर आस्क फॉर द कॉल्ड अप, वो कॉल नहीं करती इन द कंपनी ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस बट ओनली द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी. यानी जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है तब तो कंपनी ने उसका इशू नहीं किया, लेकिन जब इसका इशू कब कर सकती है, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है अदरवाइज वो लिक्विडेशन हो रही है तब भी कंपनी में वो कॉल्ड अप करती है. सो दैट इज द रिमेन एज द कजन एन एडिशनल सिक्योरिटी और मेकिंग द पेमेंट टू इट्स क्रिएटर, तब इसका जो कॉल अप करती है और उसका से पेमेंट किससे करती है, अपने क्रिएटर को, इज नोन एज अ रिजर्व कैपिटल. इसको किस नाम से जानते हैं, रिजर्व कैपिटल. यानी कंपनी जब एग्जिस्टेंस में आई यानी कंपनी स्टार्ट हुआ तब तो कंपनी ने जितने शेयर को कॉल नहीं किया वो अनकॉल्ड कैपिटल हो गई, जिसको कंपनी की कंडीशन में वो क्या हो गया, वो रिजर्व कैपिटल हो गई. और जब भी कंपनी वाइंड अप हो रही है यानी बंद हो रही है या लिक्विडेशन हो रही है तब की कंडीशन में कंपनी उस कैपिटल से कॉल करती है, उस कैपिटल को कॉल करती है एंड तब उससे अपने किसका पेमेंट करती है, अपनी लायबिलिटियों का पेमेंट करती है. इसे किस नाम से जानते हैं, रिजर्व कैपिटल. अब इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है व्हाट इज द रिजर्व कैपिटल और व्हाट इज द कैपिटल रिजर्व. ओके, थैंक यू.